हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थाएं 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक पर चली गई। पूरे प्रदेश के चिकित्सकों में पीएचसी थाची में हुई घटना जिसमें महिला डॉक्टर की पिटाई की गई थी और उसका शारीरिक शोषण करने की कोशिश की गई थी, इसको लेकर न केवल संघ ने चिंता व्यक्त की है बल्कि पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली बात कही है। वहीं दूसरी ओर बीएमओ घुमारवी के निलंबन में आग में घी डालने का काम किया है जिसे बिना किसी जांच के निलंबित कर दिया गया। संघ के महासचिव पुष्पेंद्र वर्मा का कहना है कि आज पूरे प्रदेश के चिकित्सक संस्थानों में पेन डाउन स्ट्राइक रही, लेकिन कल यानी कि वीरवार 20 जून को पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के आरडीए भी पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। संघ ने आगे कहा है कि अगर आंदोलन को और तेज करने की जरूरत पड़ी तो इसे और तेज किया जाएगा। वहीं हमीरपुर के भोटा में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश में 19 जून को हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ के आह्वान पर सारे चिकित्सा संस्थानों में 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक किया गया 9:30 से 11:30 बजे तक, जो कि कल भी जारी रहेगा। ये इसलिए पेन डाउन स्ट्राइक करी गई है क्योंकि पीएससी थाची जो कि मंडी जिला में है वहाँ पे हमारी महिला चिकित्सक के साथ उनकी उनके साथ मारपीट की गई, उनका शारीरिक शोषण करने की कोशिश करी गई, जो कि एक प्रदेश का पूरे प्रदेश का सिर जो है वो शर्म से झुका देने वाली घटना है। और हमारा इसके विरोध में ये पेन डाउन स्ट्राइक शुरू हुई है। हम पहले भी कहते आए हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा जो है पुख्ता होनी चाहिए और हमने सरकार से बहुत बार निवेदन किया है कि जहाँ भी 24 घंटे की चिकित्सा सुविधा जिन संस्थानों में दी जा रही है उन पर सुरक्षा जो है वो होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएँ आए दिन हमें देखने को मिल रही हैं। पिछले दिनों सीएससी खैरा में ऐसा देखने को मिला, पीएससी चढ़ियार कांगड़ा में ऐसा देखने को मिला, फिर सीएससी धर्मपुर सोलन में ऐसा देखने को मिला। तो ऐसी बड़ी सारी घटनाएं हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और कोई भी जो ये इस तरह की जो हिंसा की घटना डॉक्टरों के साथ हो रही है उसमें मेडिपर्सन एक्ट का जो है वो इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। ये भी हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी कि मेडिपर्सन एक्ट को जो है वो कड़ाई से उसका जो क्रियान्वयन है वो किया जाए। और इसके साथ ही आज हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी स्वास्थ्य संस्थान थे वो 2 घंटे के लिए बंद रहे, लेकिन अब कल से हमारे साथ मेडिकल कॉलेज की आरडीएस भी इसके विरोध में आ रही हैं और कल से मेडिकल कॉलेज में भी 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक रहेगा। हमारी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और इसके अलावा जो हमारे घुमारवी के बीएमओ को बिना जांच के जिनका निलंबन कर दिया गया है उनके निलंबन को रद्द करके उनको बहाल किया जाए और वहाँ पे एक निष्पक्ष जाँच जो है वो करवाई जाए।